अब जैसा कि 2 महीने हो गए माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, तो जैसे चुनाव चल रहा है, मैंने समर्थन दिया अपने साथियों के कहने से, पूरे हलके के कहने से, और जहां आई बात राज्यसभा मेंबर की, 2 बार वहां बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ दिया, साइन करे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव में साइन करे, और अब दोबारा सरकार को बदलने के उसमें नायब सिंह सैनी के उसमें प्रस्ताव, इनका प्रस्ताव मतलब बहुमत साबित हो वहाँ साइन करे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, इतनी जनता का विश्वास करते हमें जो कहा वो करते रहे, पर इस समय 2 महीने से चुनाव चल रहा है और कमें कोई और नहीं, माननीय श्री मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़े, नीलो खेड़ी में प्रोग्राम होया वहाँ नहीं बुलाया, त्रोड़ी में प्रोग्राम आया वहाँ नहीं मारे को सूचना, और निस्संग में प्रोग्राम होया वहाँ नहीं सूचना, तो वो मेरे साथी बोले भी जी तेरे को बुला नहीं रहे, हम तो तेरे को वापस बुलाते भी जाए, हमारा कहना मानने का तो जनता के कहने पे, हल्के की जनता को कहने पे वापस अपना समर्थन ले लिया। जिस तरीके से 3 MLA नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजोरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए, और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने के डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है, 88 MLA आज हरियाणा विधानसभा के, 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में, 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देते हैं कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विद्रोह किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर है। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी।
जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया, तो उस दिन भी हम तो पूरी तौर पर स्पष्ट है कि सरकार को गिरने के कदम। लेकिन खुले देश के अंदर हालात में पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं, प्रदेश में बदलाव निश्चित है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है, भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। ऐसे में अल्पमत के विधायक को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दिया भारी रूप से, क्या कहेंगे? ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए।